Hello Hello everyone, everyone, this is मौसमी and this is सुमित and welcome to our channel Escape with MS. तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा excited है और मैं बहुत nervous भी हूँ क्योंकि हम आज जा रहे हैं to Thailand. जब भी हमने ये decide किया कि हम India के बाहर कोई country में जाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे countries आए जैसे Maldives, Dubai and all. बट थाईलैंड हमने इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ ये डाइवर्सिफाइड कंट्री है, लाइक नॉट मोर देन इंडिया ऑब्वियसली, बट ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ थाईलैंड जाने के लिए इंडिया से आपको कहाँ से सस्ती फ्लाइट मिलेगी और वीज़ा और अराइवल का प्रोसेस क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक किए बना, बिल्कुल मत जाइए. बैंकॉक में अराइवल के बाद हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि वीज़ा कैसे ले, कहाँ जाए, कज ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है. बट बिलीव मी, प्रोसेस बहुत ही इजी है. आपको जगह जगह एरो मार्क्स दिख जाएंगे कहाँ जाना है एंड बहुत ऑफिसर्स भी रहते हैं यहाँ टू हेल्प यू आउट. वन प्रो टिप, आप वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म प्री फिल करके जाए विथ 4x6 का फोटोग्राफ, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा. सो जब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये रहता है कि फ़्लाइट की टिकट्स कितने की पड़ेगी. तो मैं बताना चाहूँगा, थाईलैंड जाने के लिए आपको इंडिया के सारे बड़े सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी एंड अगर आप 2-3 महीने प्रायर बुकिंग करें तो आपको ये फ़्लाइट्स 6,500 से 7,000 रुपये तक में पड़ जाएगा. मतलब 12,000 to 13,000 में आप रिटर्न टिकट्स बुक कर सकते हैं एंड बहुत फ्लाइट्स चलती है टू बैंकॉक टू फुकेट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो आप चेक करके आपने अपने नज़दीकी सिटी से बुक करा सकते हैं. आई गेस सबसे जो सस्ती फ्लाइट है टू थाईलैंड वो कोलकाता से पड़ती है. हमने भी कोलकाता से बुक किया था ये फ्लाइट, तो हम लोगों को समवेयर अराउंड 6,000 का पड़ा एंड रिटर्न अराउंड 12,000. और बाकी अगर थाईलैंड में वीज़ा की बात करें तो थाईलैंड में अभी वीज़ा ऑन अराइवल है. वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए, आपके पास थाई बात इन कैश, अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो फिर 10,000 थाई बात इन कैश होना चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आई थिंक इट्स 20,000 थाई बात पर फैमिली, और आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए थ्रू आउट द स्टे यू आर इन थाईलैंड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास रिटर्न फ्लाइट के टिकट्स होने चाहिए. बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं तो आपको इजीली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा. एंड जो वीज़ा ऑन अराइवल का फीस है विच इज़ 2,000 थाई बात है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुछ तो स्कैम चल रहा है, ये लोग 2,200 थाई बात ले रहे हैं मगर बिल आपको 2,000 थाई बात का ही मिलेगा. ये जो पूरा स्कैम है ये प्रायोरिटी लाइन एंड नॉर्मल लाइन के चक्कर में चल रहा है. आपको वो लोग बोलेंगे कि आप प्रायोरिटी लाइन में खड़े हो जाओ, ये फास्ट होगा लेकिन आपको उतना ही टाइम लगता है, और ये लोग आपको 200 थाई बात एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं. सो गाइज, अगर आप सबसे चीपेस्ट वे ढूंढ रहे टू ट्रैवल फ्रॉम बैंकॉक एयरपोर्ट टू पटाया, आपको डॉन मुएंग एयरपोर्ट के गेट नंबर 6 से एग्जिट लेने के बाद ही आपको A1 बस मिल जाएगा. आप A1 बस लेकर चाटुचक मार्केट
ये जो चाटुचक बस स्टैंड है यहाँ पे आ सकते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 baht और यहाँ से फिर आपको पटाया का बस मिल जाएगा विच विल बी अराउंड 120 baht, तो आप अराउंड 150 baht में बैंकॉक टू पटाया पहुँच सकते हो। वेरिन अगर आप कोई कैब बुक करते हो तो दैट विल कॉस्ट टू समवेयर अराउंड 1500 baht, सो आप वो डिफरेंस देख सकते हो। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो और सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बाकी यहाँ पे हम अभी टिकट करेंगे एंड वी विल शो यू द रेस्ट कि वहाँ तक हम कैसे पहुँच रहे हैं एंड वहाँ पे होटल लेकर हम लोग कैसे होटल तक पहुँचते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। So guys, this is the bus stand where you need to come and अंदर आते ही आपको ये पटिया का बस काउंटर मिल जाएगा जहां से आप बस ले टिकट ले सकते। यहाँ की बसेस एयर कंडीशन एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। हम रात भर से नहीं सोए थे फिर भी ट्रैवल करके हमें कोई थकावट नहीं हुई। अभी हम हैं पटाया बस स्टॉप पे और यहाँ से हम लोग ये टुक टुक लेके जा रहे हैं अपने होटल तक। यही बस स्टॉप के सामने से ही आपको टुक टुक मिल जाएगा, लेकिन आप टुक टुक वालों से थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने से वो भी कम हो जाता है। बहुत ही थके हुए हैं, रात भर से सोए नहीं है, इसीलिए अभी जा रहे हैं होटल, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग रूम में आ गए हैं। एक्चुअली यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो है आफ्टरनून में 2 बजे, लेकिन अभी हमारे साथ प्रक्षित है तो हमको बहुत सारा एडवांटेज तो मिल ही रहा है। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और हमको उन्होंने रूम अलॉट कर दिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा रूम। इस होटल का नाम है तेवन जॉमटियन और इसका प्राइस है 750 baht पर नाइट। रूम बहुत ही अच्छा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं रूम। It's the sound that's all in me, in me.